इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का आज चेहरा मुस्कुराहट से लाल हो रहा था। हो भी क्यों ना हो, उनके पूर्व साथी पूर्व मंत्री जसविंदर सिंह संधू के बेटे गगनदीप संधू और आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता रेनू राणा ने आज इनेलो का दामन थामा। उल्लेखनीय है कि गगनदीप संधू पहले इनेलो को अलविदा कह कांग्रेस में आ गए थे, लेकिन अब दोबारा उन्होंने घर वापसी की है। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने पार्टी में ज्वाइनिंग पर इन नेताओं का स्वागत किया, साथ ही पत्रकार वार्ता में जेपी दलाल को आड़े हाथों लिया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों के बीच जेपी दलाल के खिलाफ रोष होने के चलते जेपी दलाल भिवानी में अपने घर नहीं जा सकते। जेपी दलाल ने हाल ही में आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों पर हल्की टिप्पणी की थी। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा किसान आंदोलन को किसी एक वर्ग के साथ जोड़कर लोगों को बांटना चाहती है। चौटाला ने आंदोलन को सारे देश का आंदोलन बताया। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने रेल रोको आंदोलन को सफल बताया और 3 मार्च को इलाहाबाद में किसान महापंचायत का ऐलान किया। अभय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री को कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। अभय चौटाला ने हरियाणा में पंचायती चुनाव करवाने की मांग की। चौटाला ने कहा कि राजनीतिक नुकसान होने की आशंका के चलते भाजपा गठबंधन सरकार नहीं करवाना चाहती पंचायती चुनाव। और क्या बोले अभय सिंह चौटाला, देखें लाइव। पुराने साथी स्वर्गीय सरदार जसविंदर सिंह जी, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर के आखिरी समय तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन पिछले दिनों में कुछ इस किस्म के हालात बने, कुछ हमारे साथी विचलित हो गए थे और उन्हें जिन लोगों ने उनमें भ्रम पैदा किया, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वो कौन व्यक्ति है जो आज भी इस प्रयास में लगा रहता है कि कोई भी हमारा साथी, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से था, वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। विशेष रूप से गगन संधू जी जो है, जो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए थे, आज फिर इन्होंने दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नए सिरे से शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। मैं इनका स्वागत करता हूं, मैं भी नहीं बल्कि पूरी पार्टी फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज अकेले नहीं, सैकड़ों साथी आज जो आपके बीच में बैठे हैं, ये सब साथी जो हैं, कोई कांग्रेस छोड़ करके, कोई बीजेपी और जसपा छोड़ करके, आज फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज का जो इशू पिछले कई दिन से अखबारों में आप भी लिख रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी टीवी पे दिखा रहे हो, हमने लॉकडाउन के दौरान जिस ढंग से इस प्रदेश के अंदर लूट मची थी, 9 बड़े घोटाले किए थे, जिनमें से 2 के ऊपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी कराई गई। एक तो रजिस्ट्री का जो घोटाला है, जिस रजिस्ट्री के घोटाले में 300 से ज्यादा लोग शामिल है, और हमने कहा कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर सीबीआई जांच करे, आज तो अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जहां अधिकारी इसमें दोषी है, वहीं इसमें मिनिस्टर भी उतना ही दोषी है। मिनिस्टर ने किसी भी एक तहसीलदार को कहीं जो पोस्टिंग हुई, बिना पैसे के एक भी पोस्टिंग उसमें नहीं की। सारी की सारी पोस्टिंग जब करी गई, आयात होटल के अंदर एक व्यक्ति को अपने दलाल के रूप में बैठा करके
और तहसीलदारों को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ उनको कहा कि आपकी मनचाही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। और वहाँ पैसा लेकर के उनकी पोस्टिंग करी गई, जहाँ वहाँ रजिस्ट्री में ये घोटाला हुआ, पैसे का लेन देन हुआ। वहीं एक चीज अब तो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई, जो एक्साइज का मामला था, जो शराब का घोटाला हुआ था, जब आप लोगों ने अपने टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार से जब इस खबर को आपने छापा और दिखाया, और जब हमने इस बात की मांग करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो पहले तो जांच कराने में ही सरकार ने कैसे इसकी लीपापोती हो सके, उसके लिए होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी का गठन किया और चीफ मिनिस्टर ने एसआईटी को बदल के एसएटी का गठन कर दिया। जहां एसएटी का गठन किया उसी दिन ये साबित हो गया था कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने मंत्री को बचाना चाहता है। आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा दूध से धुला हुआ नहीं है इनका, जिस डिपार्टमेंट के अंदर दलाल ना हो और जिस डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स ना हो। मैं एक बार फिर गगन का और गगन के सारे साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपको पार्टी में पहले जो सम्मान मिलता था उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी इज्जत के साथ आपको पार्टी में इज्जत मिलेगी। ये सीधा सा फार्मूला है कि जिस सरकार के खिलाफ 1/3 MLA अविश्वास व्यक्त कर दें, आज सरकार तो है नहीं, आज तो लुटेरों का गिरोह है, आज जिस किस्म के देश में हालात हैं, जिस तरह से आज हमारे प्रदेश की हालत है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो मेरे ऊपर ये लाछन लगा रही थी, जो ये कह रही थी कि अभय सिंह ने तो बीजेपी को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दिया है, अब वो नई चीज चला रहे हैं कि हम तो 30 की संख्या में हैं, अगर इस्तीफा दे देंगे तो सरकार कैसे गिर जाएगी। तो अभय सिंह अगर MLA रह जाता तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार कैसे गिरा लेता, ये तो बता दे। मैं आपको आज एक इन्विटेशन दे देता हूँ, आप सब जरूर आए उसमें, 3 तारीख को इलाहाबाद के अंदर किसान महापंचायत होगी और उस दिन उन्होंने मुझे भी वहां पे बुलाया है, आप आना देखना। इलाहाबाद में तिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी, लाखों लोग उसमें आएंगे। तो मुझे बड़ी हैरानी थी, मैं आज से 3 दिन पहले कालका एक कार्यक्रम में होकर के वापिस आ रहा था, विद साहब आ रहे थे अम्बाड़ा से, कोई चोर रस्ते से आते हैं, सड़क से नहीं आ सकते, 8 गाड़ियां पुलिस के साथ थी। यहां आतंकवादी रहते हैं क्या है? क्या डर है विद साहब को, किसी ने थ्रेट दे रखी है जो 8-8 गाड़ियां एक एक मंत्री को दे रखी है? कोई मिनिस्टर जो है इनका आज 8-10 गाड़ियों के काफले के बिना चलता नहीं। ये सरकार के ऊपर लोगों की जो गाड़ी खून पसीने की कमाई जो है उसको अपने ऊपर लगा के बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सरकार अगर लोकप्रिय हो तो फिर मैं सारा दिन अकेला घूमता हूं नहीं, इनको क्या डर है? बड़के तो देखिए, जेपी दलाल अपने घर में बड़के दिखा देने, बाहर तो बहुत दूर की बात है, भिवाणी जाके दिखा दे ले, भिवाणी में घर है इसका, और यहाँ से अनाउंस करके चला जाए भी मैं आज भिवाणी आ रहा हूँ, अगर जाए घर में जाए पी दलाल बढ़ जाए तो फिर आप मेरे से बात करना। तो चंदा जी भी बता रहे किसानों को हैं, ये तो चंदा जी भी हैं, चंदा चोर हैं। हाँ तो वो मैं बताऊँ ना, आपको भी अपने घर में बढ़ के दिखा देना, दूर तो बहुत दूर की चीज़ है, किसी और के फंक्शन में जाना तो बहुत मुश्किल काम है इनके लिए। अब तो लोगों ने शादी के कार्ड देने बंद कर दिए, अब तो अगर ये किसी के दुख में शामिल होने जाते हैं, कहीं गोड्डा निवाण जावे तो भी लोग जो है इनके आने के बाद खड़े होकर चले जाते हैं, घर का मेंबर भी नहीं बैठ करके इनसे बात करता।